ना टले वो श्राप हूं मैं। तुम्हारा बाप हूं। तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो चुका है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड को पहली 600 करोड़ी फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जवान के रूप में मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म आज अपने 13वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की हिस्टोरिकल कमाई कर रही है, ये फिल्म दोस्तों बॉलीवुड इतिहास की पहली 600 करोड़ी फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और पहली 1300 करोड़ी फिल्म पहली ही रन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पार करने वाली पहली फिल्म बनने वाली है। लेकिन दोस्तों क्या फिल्म बॉलीवुड इतिहास की पहली 700 करोड़ी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बन सकती है या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, साथ ही साथ बात करने वाले हैं यहाँ पर फिल्म जवान के एरिया वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी शाहरुख खान के डायहार्ड फैन से उनकी फिल्म डंकी का भी इंतजार अब बेसब्री से कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउथ सिनेमा के जाने माने और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एटली कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली जवान एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार बन चुके शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण नजर आई है। लगभग 250 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों जवान को ऑल ओवर इंडिया में 7 सितंबर को लगभग 5,500 स्क्रीन पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया। और दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि कोई बॉलीवुड फिल्म भी साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन डबल डिजिट की ओपनिंग ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि शाहरुख खान की फिल्म जवान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन हिंदी में तो 65 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली, लेकिन दोस्तों ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया से तमिल और तेलुगु में भी लगभग 10 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही और इसी के साथ इस फिल्म के अपने पहले ही दिन के जो कलेक्शंस थे वो 75 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे। इस फिल्म को दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी 129.60 करोड़ रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के सेकेंड वीक के कलेक्शंस की, दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि शाहरुख खान की फिल्म जवान ने अपने 3 दिनों में ही 206 करोड़ रुपए इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए थे, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 170 करोड़ से ज्यादा के हिंदी में रहे। तो वही दोस्तों लगभग 26 करोड़ रुपए इस फिल्म ने तमिल और तेलुगु से कमाए। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म 206 करोड़ रुपए इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 384 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी थी, जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में ही अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर $5 मिलियन के आंकड़ों को पार कर दिया था। ऑडियंस दोस्तों जवान में शाहरुख के एक्शन, उनके स्वैग और उनकी एंट्री को पसंद कर रही है। नयनतारा के साथ दोस्तों उनकी जो केमिस्ट्री है वो भी खूब पसंद की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के अपने फर्स्ट वीकेंड और फर्स्ट वीक के टोटल की, तो दोस्तों अपने फर्स्ट वीकेंड में इस फिल्म ने 288 करोड़ रुपए ऑल ओवर इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में कलेक्शंस 250 करोड़ से भी ज्यादा के रहे। जबकि दोस्तों इस फिल्म के केरला बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन थे वो अपने 4 ही दिनों के 10 करोड़ रुपए के हो चुके थे। तमिलनाडु में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो अपने 4 ही दिनों के 27 करोड़ के हो चुके थे, जबकि दोस्तों तेलंगाना में इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो अपने 4 ही दिनों के लगभग 32 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को पार कर चुके थे। शाहरुख खान की इस फिल्म को दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में खूब पसंद किया गया। गुजरात, राजस्थान और MP को छोड़कर दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो हर जगह से धमाकेदार अंदाज में आए हैं। अपने पहले ही हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म ने ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर यहां एक बार फिर से धमाकेदार कमाई करते हुए 389 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही कलेक्शन 348 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका था। तमिल में दोस्तों ये फिल्म 23.86 करोड़ रुपए की सिर्फ नेट कमाई कर चुकी थी, जबकि दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 38 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो वहीं दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 18.40 करोड़ रुपए के नेट में रहे, जबकि दोस्तों
दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 36 करोड़ रुपए कमा लिए थे। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को पसंद कर रही है, यही वजह है कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 700 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की। लेकिन दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म के कलेक्शंस में एक ड्रॉप देखी जानी चाहिए थी, जो कि दोस्तों शाहरुख खान के स्टारडम और इस फिल्म को मिल रहे शानदार रिव्यूज की वजह से नहीं देखी गई। इस फिल्म ने दोस्तों अपने 9वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई के साथ ही 400 करोड़ रुपए के प्रेस्टीजियस क्लब में एंट्री मार ली और दोस्तों बॉलीवुड इतिहास की सबसे फास्ट 400 करोड़ की फिल्म बनी और गदर 2 के 12 दिनों के रिकॉर्ड्स को इस फिल्म ने तोड़ दिया। तो वहीं दोस्तों अपने 10वें दिन 31 करोड़ 80 लाख रुपए और अपने 11वें दिन 36 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई के साथ ही यह फिल्म 477 करोड़ 63 लाख रुपए कमा चुकी थी, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के हिंदी से कलेक्शंस 430 करोड़ 44 लाख के थे। तमिल से इस फिल्म ने 26 करोड़ 18 लाख रुपए कमाए थे, जबकि दोस्तों 21 करोड़ 10 लाख रुपए इस फिल्म ने तेलुगु से कमाए थे। ओवरसीज कलेक्शंस में भी दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा और दोस्तों इस फिल्म के ओवरसीज मार्केट से अपने 10 दिनों के कलेक्शंस 286 करोड़ रुपए के हो चुके थे और ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 10 दिनों में 860 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अब इस फिल्म के विगडेस के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि कल इस फिल्म ने अपने 12वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रांग होल्ड किया। उम्मीद नहीं थी कि दोस्तों ये फिल्म अपने 12वें दिन यानी कि दोस्तों दूसरे मंडे में डबल डिजिट के आंकड़े को पार करेगी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने डबल डिजिट के आंकड़े को पार करने के बाद इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें काफी धमाकेदार ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शंस हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 70 लाख रुपए के रहे हैं। तो वहीं दोस्तों ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 15 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही, इसके के साथ इस फिल्म के टोटल कलेक्शन 492 करोड़ रुपए के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 890 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और दोस्तों इसी के साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सबसे फास्ट 500 करोड़ी और सबसे फास्ट 900 करोड़ी फिल्म बनने जा रही है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म की आज की जो एडवांस है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 2.60 करोड़ लाख रुपए की है। मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म को लेकर आज भी काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी आज 5.5 करोड़ रुपए की एडवांस लेकर ओपन हुई है। शाहरुख खान की इस फिल्म को दोस्तों आज दिल्ली में 118 शो हाउसफुल बोर्ड के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और कोलकाता में भी इस फिल्म के लगभग 250 से ज्यादा शो आज भी फास्ट फिल्म मोड पर है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 13वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से डबल डिजिट के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल और तेलुगु तीनों ही भाषाओं को मिलाकर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी और लगभग 505 करोड़ रुपए की कमाई ऑल ओवर इंडिया से मात्र 13 दिनों में करने वाली बॉलीवुड इतिहास की सबसे फास्ट फिल्म बन चुकी होगी। जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज भी लगभग 35 से 38 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है और इसी के साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी जो कलेक्शन है वो 930 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुके होंगे। शाहरुख खान की ये फिल्म दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल ट्रेंड कर रही है और यही वजह है कि ये फिल्म दोस्तों बॉलीवुड इतिहास की पहली 600 करोड़ी फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर बनने वाली है। जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो इस हफ्ते के खत्म होते ही 1000 करोड़ के भी आंकड़े को पार कर चुके होंगे और ये फिल्म पठान के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी होगी। शाहरुख खान की ये फिल्म दोस्तों अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करती है तो दोस्तों ये फिल्म RRR और KGF चैप्टर 2 के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड इतिहास की नंबर वन फिल्म तो सिर्फ अपने 15 दिनों में ही बन चुकी होगी। जबकि दोस्तों इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इस फिल्म को इंडियन हिस्ट्री की 3rd highest ग्रोसर भी बना देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर मिलाकर 1300 करोड़ रुपए की कमाई के साथ RRR और KGF के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों क्या लगता है, डंकी भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की हाईएस्ट ग्रोसर बनेगी या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।